प्यारे बच्चों, हमारी एक बेहतरीन टीचर्स की टीम है। आप जानते भी हैं उनमें से सभी अध्यापकों को बहुत फेमस है। मैं अब चाहता हूं कि आप सबको उनके साथ एक मुलाकात कराएं। आपकी बैंकिंग के टीचर्स हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। आपका 2 से 3 मिनट का समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, और मैं उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। बहुत इंफॉर्मेटिव ये इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत जगह आपको काम आएगी, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है तो एक स्टेज ऐसी आती है जब उसको कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन वाली फील आती है कि यार मुझे 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, 8 महीने तैयारी करते हुए हो गया, लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी। लेकिन वो बेसिकली इस बात को समझ नहीं पा रहा होता है कि ये प्रोसेस तो हर एक बच्चे के साथ जा रहा होता है। फिर भी अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि बहुत सारी अलग अलग जितनी भी नौकरियां हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं, उन सब में आपको अप्लाई करना होगा। और उन सब की जो तैयारी करनी है वो बहुत ज्यादा अलग नहीं होती, लेकिन अलग होती है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं उस चीज को भी पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से उसको आप पकड़ लेंगे उन चीजों को, और आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद आप में वो डिप्रेशन हट जाएगा। क्योंकि अगर आप एक एग्जाम में फेल हो भी गए तो आपको ये पता है कि मेरा जस्ट 1 हफ्ते बाद दूसरा एग्जाम है। और थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा, यार मेरा तो वो वाला एग्जाम भी क्लियर हो गया, वो भी क्लियर होगा, वो भी क्लियर हो गया, और फिर आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, यार मैं ज्वाइन कौन सा करूं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेलकम करें हमारी टीम, जो कि कैरिवल प्लेटफॉर्म पे जो सबसे बेहतरीन टीचर्स हैं, और हम भी उनकी बहुत कदर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टीचिंग स्टाइल। तो मैं चाहूंगा कि सर लोग आए। सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ सतेंद्र तिवारी सर से। आप सब जानते हैं मेरे छोटे भाई हैं, उम्र में भी और हाइट में भी और बहुत बेहतरीन टीचर हैं इंग्लिश के। आप में से कौन ऐसा बच्चा होगा जो इनको नहीं जानता होगा। और एक और बड़ी खुशी की बात बता दूं, कैरियर ऐप पर पहला बच्चा जो पढ़ा होगा वो मुझसे नहीं पढ़ा था, मैं तो 2019 में आया हूँ पढ़ाने। कैरियर ऐप जो था या ये जो कंपनी थी, ये 2018 में स्टार्ट हुई थी, और इसमें जो पहला बच्चा पढ़ाने वाला जो टीचर थे ना, वो सतेंद्र तिवारी सर थे। तो सच मायने में टीचिंग में ये फाउंडर थे कैरियर के। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि आपको मैं अपनी पूरी टीम से इंट्रोडक्शन आपका कराऊं। रीजनिंग के बहुत बड़े टीचर हैं ऑफलाइन क्लासेस के। सर नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। और ऐसे ही मैं अपने साथी मैथ वाले टीचर्स का स्वागत करना चाहूंगा, सब प्लीज आ पाए। और मैं चाहूंगा कि सतेंद्र तिवारी सर थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको बताएंगे, और फिर मैं भी आखिरी में आपसे बात करूंगा। सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को नमस्कार। और बैंकिंग की टीम, आप जानते हैं करियर विल बैंकिंग की जो ये नई टीम है, ये अक्टूबर से आपकी सेवा में है। और जो एक डिमांड थी आपकी कि बैंकिंग की जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली आपको नहीं मिलती थी, जिस तरीके से हमारे एसएससी के बैचेस रेगुलर मैनर में यहाँ पे आपको मिलते हैं, तो सर लोगों के आए हुए भी करीब 4 महीने हो चुके हैं इस नई टीम के साथ। और थोड़ी सी जानकारी हम जरूर इस बारे में देना चाहेंगे किस तरीके से बैंकिंग एग्जाम्स जो हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटीज के रेंज को बढ़ाती हैं। जैसे कि अभी राकेश सर ने भी आपको समझाया कि तैयारी वही तैयारी है, बस उस तैयारी को थोड़ा सा और बिल्डअप करना है, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करने होती है और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। अब जैसे आपको इस बात का पता है कि एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो टाइम बहुत ले लेते हैं, कई बार दिक्कतें आती हैं, उन सभी दिक्कतों का सामना हम सभी ने किया है, जानते भी हैं उसके बारे में। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए कि भाई अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत है तो उसको कहीं ना कहीं से हम रिडीम कर पाएँ, और बैंकिंग एग्ज़ाम्स वो आपको मौके ज़रूर देते हैं। अब देखें, आप यहाँ पे IBPS है, SBI है और ग्रामीण बैंक है। पहले तो ये जो 3 एग्जाम्स हैं, यहीं पे आपके पास 3-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्लर्क की, PO की और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। उसके बाद आप देखिए तो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स हैं। अभी RBI असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आई है, एक बहुत अच्छा मौका होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने का, कि आप एक असिस्टेंट के तौर पर एंटर करें और अगर आप अपनी पोटेंशियल को बेहतर करते हैं, तैयारी को बेहतर करते हैं, शायद 6 से 7 सालों में आप RBI ग्रेड बी ऑफिसर भी बन सकते हैं इंटरनल एग्जाम के जरिए। और वहाँ पर एक गजेटेड ऑफिसर का मजा है, आपको 5 डेज का वर्किंग है। तो क्यों ना हम इस पर्टिकुलर जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सप्लोर किया जाए। अब अगर आप इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें, वैकेंसीज के तौर पे देखें, तो शायद पूरे साल में हमारे पास 12 से 13 ऐसे मौके आते हैं अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए। और इसमें बैंकिंग के साथ इंश्योरेंस के भी एग्जाम्स हैं, अब जैसे LIC का है, NICL का है, तो इन सभी का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस सिमिलर होता है।
लेकिन एसएससी के लिए जो आप पढ़ाई करते हो उस पर थोड़ा बहुत चेंज और मॉडिफिकेशन हमें करनी होती है, और थोड़ी थोड़ी बात हम सब उसके बारे में करेंगे अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब जैसे आप अगर इंग्लिश की बात करते हैं, ग्रामर आप पढ़ते हैं, मेरे फाउंडेशन बैचेस के अंदर भी ग्रामर है, वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैबुलरी है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे आप फिलर्स की बात करो तो एसएससी के एग्जाम में फिलर्स दो तरह के आते हैं, वन ब्लैंक प्लेस, टू ब्लैंक प्लेसेस, और ग्रामर इंटेंसिव ज़्यादा होते हैं। बट वहीं बैंकिंग में अगर हम बात करें तो 6 से 7 तरीकों से फिलर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वोकैब इंटेंसिव हो जाते हैं। तो यहाँ वोकैबुलरी की थोड़ी समझ चाहिए, जिसका टेक्निकल नॉलेज आपको मेरे साथ यहाँ पे मिलेगा बैच के अंदर। फिर आप बात करें तो इंग्लिश यूसेस का एरिया यहाँ काफ़ी बढ़ जाता है, यानी जैसे आपके पास हैं पैराजम्बल्स, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, इन तरह के क्वेश्चंस आपको एसएससी के एग्जाम में नहीं मिलते। तो अगेन ये सारे क्वेश्चन टाइप आपकी रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। आरसी का एक बड़ा रोल होता है बैंकिंग में, और ये थोड़ा एसएससी से अलग होता है। जैसे एसएससी सीजीएल मेंस में आप देखो तो आपके पास 5-5 क्वेश्चंस के 6 पैसेजेस मिलते हैं, बट बैंकिंग के पेपर में ऐसा हो सकता है कि 5 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आपको मिले, और उसके साथ साथ पूछने का तरीका भी अलग होता है। उसमें आरसी में ही वो कई बार ग्रामर भी पूछ लेते हैं, उसी में फिलर भी पूछ लेते हैं। डायरेक्शन से कई बार इंग्लिश में बच्चे डरते हैं, आपको लगता है बड़ी अंग्रेजी लिखी गई है यहाँ पे, बट अगर आपको अप्रोच पता है क्वेश्चन को करने का तो आप आसानी से कर लोगे। अब मैं अगर ग्रामर की बात करूँ तो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपकी कमांड अच्छी है, तो किसी भी तरीके से ग्रामर का क्वेश्चन पूछा जाए वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एसएससी में वो सिर्फ 2 तरीका है, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बाकी तो वॉयस नरेशन एक टॉपिक के तौर पे है। लेकिन यहाँ पे ग्रामर के भी जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो 5 से 6 अलग अलग तरीकों से मिलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट अप्रोच। आपने काम काफी करते हैं आप अपने यहाँ जनरल बैचेस के अंदर, बस उस पर थोड़ा बहुत आपको सीखना है, क्योंकि बैंकिंग का लेवल एसएससी से थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पूरी डेडिकेटेड टीम आपको लगी है वो गुर सिखाने में, और आप इन मौकों को बिल्कुल जाया ना होने दें। साल में जो आपको 10 से 12 अलग अलग तरह के नौकरियों की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको बिल्कुल ना खोएं। और एक अच्छी बात ये भी है कि IBPS चीज़ों में डिले नहीं करता, पूरा कैलेंडर सिस्टमेटिक यहाँ पे चलता है, तो यहाँ पे डिले की भी कोई समस्या नहीं है। अगर एक सिंसियर स्टूडेंट आज प्रिपरेशन शुरू कर रहा है तो हो सकता है 9 से 10 महीने के अंदर उसके पास एक नौकरी हो। और करियर विल के साथ ही पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट में SBI PO, IBPS PO एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। एक ऐसे ही सफल स्टूडेंट का इंटरव्यू भी आपने देखा था, आगे भी बहुत सारे देखेंगे। तो अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूं अनुकूल सर को, और वो रीजनिंग में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है बैंकिंग के बारे में बताएंगे, और फिर आशीष सर भी बताएंगे। लीजिए सर। थैंक यू सर। तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, रीजनिंग अगर आपने जो SSC की रीजनिंग पढ़ी और बैंकिंग की रीजनिंग में डिफरेंस क्या है। मोर ओवर द टॉपिक्स आर सिमिलर, अगर कुछ टॉपिक्स की बात करें तो कुछ टॉपिक्स सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा लेवल का फर्क है। मतलब हमें अपने लेवल को थोड़ा सा इन्हेंस करना है, इंक्रीज करना है। एक बार लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि सर ने बताया कि 10 और ऑप्शन आपके लाइफ में ऐड हो जाएंगे, करियर के लिए ऐड हो जाएंगे, करियर ऑप्शंस आपके 10 बढ़ जाएंगे, बस थोड़े से और एफर्ट्स की जरूरत है। तो SSC में जो आपने पढ़ा है वो बैंकिंग के लिए बेस तैयार कर देता है, बस उसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इस तरह के टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़े डीप नॉलेज की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे भी टॉपिक्स हैं लाइक डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, जो आपने पढ़ा है, बस उससे 10% या 20% एक्स्ट्रा भी अगर हम लोग पढ़ लें तो हमारा काम, हमारे एग्जामिनेशन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, जिससे कि आपके पास जो है करियर ऑप्शंस सीधा 10 से 12 एग्जाम्स आपके बढ़ जाएंगे। यानी जो आप SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो है ही है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो आप बैंक के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर बैंक तो प्राइवेटाइज हो रहा है। मैं आपको बता दूं बेटा, बैंक प्राइवेटाइज नहीं हो रहा है, बैंक के जो आप कह सकते हैं शेयर्स हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सारे के सारे शेयर्स, सारे स्टेक्स बेच रही है, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल देना। आज भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिनमें गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा है और वो रहेगा। कुछ बैंकें जो हैं वो हमेशा, आपको ये ध्यान में रखिएगा, दीज आर PSBs और वो हमेशा रहेंगी। तो आपको ये चीज से निश्चिंत रह जाना कि जो फैसिलिटीज अभी आपको एग्जिस्टिंग बैंक्स में मिल रही हैं वो आगे भी मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो ये चीज दिमाग से निकाल लेना, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी एग्जामिनेशन है लाइक SEBI FCI, जहां आपको जो हम कोर्स पढ़ाएंगे वहां पर ये सारी चीजें हेल्पफुल होंगी। FCI में, SEBI में, RBI ग्रेड बी ऑफिसर, RBI असिस्टेंट, ये सारे के सारे जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हैं,
तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एडिशनल ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम एसएससी आपके ऐड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों के लिए अभी फिलहाल के लिए ठीक होगा। तो अब मैं आशीष सर को दे रहा हूँ, थोड़ा वो मैथ्स के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू सर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एसएससी में जो आप मैथ्स पढ़ते हो, अरिथमेटिक के अलग अलग चैप्टर पढ़ते हो, अब वो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो सब के सब इस्तेमाल होते हैं, सब के सब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बैंकिंग में। और आपने जो भी पढ़ा है वो आपके लिए बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और कुछ चीज़ें होती हैं जो उसमें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, जैसे होता क्या है कि हाई लेवल DI का पूछ रहे होते हैं कई बार मेंस एग्जाम में, राइट? या फिर लेट से कि जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल आ गए, या ये जो जिन चैप्टर के मैंने नाम लिए ना उसमें भी कई बार ना मेंस एग्जाम में थोड़े से टफ सवाल आते हैं। तो इन अ सेंस जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो आपके लिए फायदे में है, राइट? उसकी आपको हेल्प मिलेगी। अब उसके ऊपर थोड़ा सा और बिल्ड करना है, मतलब ऑलरेडी आप ढेर सारी मेहनत कर चुके हो, जो कंसेप्ट एंड ऑल होते हैं, टेक्निक वगैरह होती है वो आपको आती है, राइट? उसके ऊपर थोड़ा और बिल्ड करना होता है, या कहीं पे कंसेप्ट सीखना है, कहीं पे टेक्निक सीखनी है, वील ऑल्सो कवर दैट। तो इन अ सेंस अगर आप ऑलरेडी SSC की तैयारी कर रहे हो तो अपने आप जो बैंकिंग के जो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ना वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको 100 तक पहुंचना है तो आप ऑलरेडी लेट से 50-60 के आसपास हो। अब बीच की जो दूरी है वो थोड़ी तय करनी पड़ेगी, वो एक साथ हम कर सकते हैं। Over to you, Satyen sir. So, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी है। बैच के बारे में यहाँ पूछ रहे हैं, बैच की डिटेल्स इसीलिए मैंने बैकग्राउंड पे लगा दिया है। ये हमारा लेटेस्ट बैच जो आया हुआ है वो आपके सामने है। 14 February से क्लासेस शुरू हुई है और ये कम्प्लीट बैच है यहाँ पे, राइट? सो ये कम्प्लीट बैच है, यानी जो पांचों एरियाज होते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में वो सब यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएं आप, राइट? और अपनी अपॉर्चुनिटीज को और बेहतर करें, ब्रॉडन करें अपने मौकों को। और साथ ही साथ एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि करियर विल बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल हमने लॉन्च किया है। उसके पीछे पर्पस यही है कि क्लासेस तो आपको यहाँ पे बैच के फॉर्म में तो हर महीने मिल रही हैं करियर विल ऐप के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ हमारे फ्री सेशंस वहाँ पे भी हो रहे हैं। तो करियर विल बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, वैल्यू एडिशन होता रहेगा सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, राइट? और इस बैच से संबंधित सारी डिटेल्स जो हैं वो उस चैनल पे भी हैं, करियर विल ऐप पे भी हैं। और जो आपके कुछ सवाल यहाँ पे आ रहे हैं, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली मैसेजेस। नाम पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत तेजी से आ रहे, तो धन्यवाद सभी को। हाँ जी, तो बैच से संबंधित सारी डिटेल्स जो है वो करियर विल ऐप पे भी अवेलेबल है, वो क्लासेस आप देख सकते हैं, करियर विल बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे भी है। और SSC और बैंकिंग एग्जाम में जो आप एक सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्या डिफरेंस है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या SSC और बैंकिंग साथ साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इन सभी सवालों को हम तीनों फैकल्टीज ने पहली क्लास में ही एड्रेस किया है जो हमारी इंट्रो क्लास होती है। सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। बस हम यही चाहते हैं कि आपकी जो जिसको कहते हैं ना कि ब्रॉडन योर होराइजन, आपका रेंज बढ़े, आप फ्रस्ट्रेट ना हो, डिप्रेस ना हो, बिकॉज आप सभी उसी एज ग्रुप में हैं। ये जो 20s की एज होती है इसमें प्रेशर बहुत होता है, सोसाइटल प्रेशर है, फैमिलियल प्रेशर है, और कई बार सिस्टम की दिक्कत की वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो आप कहते हो कि सर नहीं, SSC में नहीं हो रहा है, या लंबा समय लग रहा है, या कट ऑफ थोड़ा सा नहीं क्लियर हो पाया, तो क्यों एक और मौके को हम हाथ से जाने दें, जबकि पता भी वही है कि बेस वही है, उसी बेस पे थोड़ा सा काम और करना है। एंड अंडर द यू नो एबल गाइडेंस ऑफ दिस टीम आप बहुत आसानी से उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।